खबर सतना से, जहां पर तराई इलाके में डकैतों की धमक से गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। आलम यह है कि वन विभाग ने चिट्ठी लिखकर पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि डकैतों ने तेंदू पत्ते की तुड़ाई रोक दी है। ददवा, खोखिया, सुंदर और ना जाने ऐसे कितने डकैत गिरोह ने सतना पर राज किया और अब बलखिड़िया गिरोह ने दस्तक दी है। यहाँ चित्रकूट, बरौधा और मंझगवां वन क्षेत्र में इनका आतंक देखा जा रहा है। डकैतों ने सीजन में तेंदूपत्ता ठेकेदारों से अपनी चौथ वसूली न होने के कारण पत्तों की तुड़ाई पर रोक लगा दी है। ऐसे लोग जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, फोन की धमकी से डरे हुए हैं। बोले काम बंद कर दो, नहीं तो सब लोग गोली से उड़ा देंगे और हमारा नाम जाने तो कहा है। तो हम बोले नहीं भैया, हम नहीं जाने कहा है, हम गरीब मलही, हम कहा जाने की आप कहो है। तो बोले मैं बड़खड़िया डकैत हूँ सर, वहाँ तोड़ने नहीं जाने देते हैं, रोकते हैं कि जब इतना यहाँ पैसा दोगे तब तुड़ाई चालू होगी। वन विभाग को डकैतों की धमकी का पता चला तो उसने पुलिस विभाग को चिट्ठी लिख दी, क्योंकि बगैर सुरक्षा वो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। 62 ऐसे फड़ हैं तेंदूपत्ता के संग्रहण केंद्र, जहां पे की तुड़ाई रोकनी पड़ी है। और उसकी वजह यह है कि वहां जो सक्रिय हैं असामाजिक तत्व हैं, डकैत हैं जो भी हैं, तो उनके कारण उनको धमकियां मिली ग्रामीणों को, और कुछ को मारा पीटा भी है, ऐसे भी समाचार हैं, और उनको डरा धमका के भगा दिया। मगर पुलिस अधिकारी कहते हैं कि तराई इलाके में डकैतों से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उन्हें यूपी में खदेड़ दिया गया है। वहाँ पर जो एक अनूप मिश्रा करके हुआ है, फरार हुआ है, जो वहाँ से है, उससे गोली चली है, तो उसको खदेड़ दिया, फिर से वो यूपी में चला गया है। पुलिस का दावा अपनी जगह हो सकता है, मगर उन ग्रामीणों का क्या जो डकैतों के सताए हैं और रोज धमकियों के साए में जी रहे हैं। यहाँ पिछले कई दिन से तेंदूपत्ते की तुड़ाई नहीं हो रही है, जिससे कई घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। नितेंद्र गुरुदेव, सहारा समय, सतना।